sum of years digit method. Sum of years digit method. ठीक है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड आपको क्या बताता है कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए. ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन क्या होगा आपका, टोटल डेप्रिसिएशन कितना होता है, वी नॉट माइनस वी एस. जितने भी मेथड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि वी नॉट माइनस वी एस यानी कि जो लॉस हुआ है इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ईयर वाइज, यही बता रहे हैं ना मेथड सारे. स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बता रहा था, ये सब में बराबर बराबर डेप्रिशिएट जो है ये डेप्रिशिएटेड अमाउंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. ठीक है, वो कह रहा था इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. अब हम पढ़ रहे हैं सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड. सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड आपको बताता है डेप्रिशिएटेड अमाउंट फॉर एमएथ ईयर के लिए. लिखिएगा डेप्रिशिएटेड अमाउंट फॉर एमएथ ईयर. For mth year is equals to DM is equals to V naught minus Vs divided by summation of n. Summation of n, n यानी कि जितना आपको सर्विस लाइफ दे रखा है. इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से. जैसे n आपका 5 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इन टू n माइनस एम प्लस 1 इंटू एन माइनस एम प्लस 1. फॉर एग्जाम्पल जरा देखिएगा, सर्विस लाइफ आपको दे रखी है 5 साल, वी नॉट है आपका 10,000, 5 ईयर्स वी नॉट है आपका 10,000, वी एस है आपका 0. ठीक है, वी एस है आपका 0. तो देखिएगा जरा फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिशिएट होगा, वी नॉट माइनस वी एस 10,000 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1 प्लस 1 10,000 माइनस 0 कुछ क्या पड़ेगा, 10,000 माइनस 0 इंटू 5 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एन. That means 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. ठीक है, यानी कि जितना भी सम है, जैसे हम लोग सम करते हैं किसका, नेचुरल नंबर्स का, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसी नाम पे ही मेथड है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड. तो सभी ईयर्स का सम क्या मिलेगा, मेरे को डी वन इज इक्वल टू 5 अपॉन 15 इंटू वी नॉट माइनस वी एस. सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा, D2 इज इक्वल टू n माइनस m प्लस 1, दैट मीन्स n 5 माइनस 2 प्लस 1. तो सबसे ज्यादा डेप्रिशिएट कौन से ईयर में करेगा, फर्स्ट ईयर में करेगा, फिर धीरे धीरे गिरता हुआ जाएगा. ठीक है, 4 बाई 15 वी नॉट माइनस वी एस 3 D3 is equals to 3 by 15 V naught minus Vs. D4 is equals to 2 by 15 V naught minus Vs. D5 is equals to 1 by 15 V naught minus Vs. Example जरूर लिखना क्योंकि formula आप अभी class से निकलते ही भूल जाएंगे, लेकिन इससे फॉर्मूला बनाया जा सकता है. एग्जाम्पल अगर याद रहेगा, 5 साल सर्विस लाइफ लिया था तो 5 से 15 ये समेशन ऑफ एन था, एन समेशन ऑफ एन यानी कि नेचुरल नंबर का सम, इसी से इसका नाम पड़ा है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड. यानी कि लॉजिकली जैसा होना चाहिए था डेप्रिसिएशन के, पहले साल में जब नया इक्विपमेंट होगा तब ज्यादा होना चाहिए था, ये भी उसी नेचर को फॉलो करता है. और ये कब कब एप्लीकेबल है, चाहे वी एस 0 है चाहे वी एस 0 नहीं है, ये हमेशा आपका एप्लीकेबल होगा. तो एप्लीकेबल
हैं इस मेथड की? ठीक है, अब देखिएगा जरा, V naught माइनस वी एस डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ n, n माइनस m प्लस वन, रुको जरा, समेशन ऑफ एन आपका क्या होगा? समेशन ऑफ एन, समेशन ऑफ एन के सम ऑफ नेचुरल नंबर, वी नॉट माइनस वी एस एन माइनस एम प्लस वन, समेशन ऑफ एन, समेशन ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है आपका? एन, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, कई बार तो केवल आपसे ही फॉर्मूला पूछा गया है, सम ऑफ या डिजिट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, दो बार खाली फॉर्मूला पूछा गया गेट में कि फॉर्मूला क्या होगा आपका सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का, तो समेशन ऑफ एन लिख देंगे। समेशन ऑफ, वैसे समेशन ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है? एन इंटू समेशन ऑफ एन क्यूब, इसी का स्क्वायर हो जाएगा सीधे। ठीक है, तो ये समेशन भी पता होना चाहिए, सम ऑफ नेचुरल नंबर एप्टीट्यूड में हेल्प करता है। समेशन ऑफ एन, एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, डी वन डी टू आपका डी थ्री डी फोर डी फाइव, डी सिक्स कितना आता? जीरो आ जाएगा, पांच साल में पूरी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, उसके बाद बचा ही नहीं कुछ। अब आप इनको सम करके देंगे, देखेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, सारे डेप्रिशिएटेड अमाउंट का सम वी नॉट माइनस वी एस के बराबर। जितने भी मेथड्स पढ़े हैं सभी डेप्रिशिएटेड अमाउंट का सम कितना आएगा? V नॉट माइनस वी एस के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये थे आपका डेप्रिशिएशन मेथड्स, डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स है जिससे हम डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका क्या था? अप्रोक्सीमेशन मेथड से, सबकी अपनी अपनी एप्लीकेबिलिटी थी, कभी कोई एप्लीकेबल था कभी नहीं था। ठीक है, प्रॉब्लम लिखिएगा एक। Write down the annual depreciation cost the annual depreciation cost for equipment cannot exceed रुपीज 3000 एट एनी टाइम। एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट कैन नॉट एक्सीड रुपीज 3000 एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे 3000 से ऊपर नहीं जा सकता डेप्रिसिएशन कॉस्ट,
दे रखा है उसमें, ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है, प्रॉब्लम ने कंडीशन दे रखी है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज 30,000, एंड सेल्वेज वैल्यू आपको दे रखा है जीरो, वीएस इक्वल्स टू जीरो, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ सर्विस लाइफ, determine the length of service life necessary, determine the length of service life necessary if the equipment is depreciated by, A part है straight line, B part sum of years digit method, हाँ जी। एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट कैन नॉट एक्स